एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बाबरनामा के बारे में। इससे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाबरनामा एक पुस्तक है, तो वो किसकी पुस्तक है? बाबर की, बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है। बाबर की आत्मकथा है, उन्होंने उसे खुद लिखा है। आत्मकथा वो होती है जिसे कोई भी व्यक्ति खुद लिखता है, तो उसे आत्मकथा बोलते हैं। तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसे एक और नाम से जानते हैं, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, बाबरनामा तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानी जाती है। बाबर की जो आत्मकथा है उसका जो अनुवाद है वो पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में भी किया गया था। बाबर ने तो इसे तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन फारसी भाषा में से किसने लिखा है? पाइंदा खान ने और अब्दुल रहीम खान खाना ने। और इंग्लिश में और अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद है वो श्रीमती बैबरिज के द्वारा भी किया गया है। तो बाबर जो है प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने भारत की जलवायु का वर्णन अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है। और इस बाबरनामा में प्रकृति का वर्णन करते हुए बाबर ये कहते हैं कि नदियों और पहाड़ों के सिवा उन्होंने वहाँ भारत के अंदर कुछ भी नहीं देखा। उन्हें जहाँ भी वो देखते थे, जहाँ भी वो जाते थे, उन्हें पहाड़ और नदियाँ ही नजर आते थे। ऐसा ही उन्होंने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है। उन्होंने अपनी आँखों देखा वर्णन बाबरनामा में किया है। तो इस पुस्तक में उन्होंने 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख भी किया है। तो जो 5 मुस्लिम राज्यों थे जिनके नाम हमें बाबरनामा से मिलते हैं वो थे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। ये जो राज्य थे ये 5 मुस्लिम राज्य थे। और 2 हिंदू राज्य जिनका जो नाम है वो है विजयनगर और मेवाड़। इनका उल्लेख, इन 7 राज्यों का उल्लेख, 7 राज्यों में से 5 राज्य मुस्लिम राज्य हैं और 2 राज्य हिंदू राज्य है, इनका उल्लेख इन्होंने बाबरनामा में किया है। बाबरनामा में विजयनगर के जो शासक थे कौन? कृष्णदेव राय उनके समकालीन रहे हैं और उन्होंने उसे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। वो ऐसा कहते थे कि जो कृष्णदेव राय हैं, जो विजयनगर के राजा थे, वो इनके समकालीन भी थे और इन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुए हैं। बाबर इस बात को कहते हैं। बाबर लिखते हैं अपनी बाबरनामा में, ये भी लिखते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो खूबसूरत नहीं हैं। यहाँ जो है अकलबंदी और प्रतिभा, जो यहाँ की लोगों की जो अकल थी, अकलबंदी थी और प्रतिभा थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ऐसा वो कहते हैं। और कला और दस्तकारी में भी जो ये लोग थे ये बहुत पिछड़े हुए थे, कला दस्तकारी इन्हें नहीं आती थी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति यहाँ पर सोने चांदी की है, सोने चांदी की खाने हैं यहाँ पर, बहुत बड़े देश में, भारत में। तो बाबर ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। ये एक छोटी सी कोटेशन बाबर ने बाबरनामा में लिखी है क्या, कि भारतीय जो है मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।